अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा राधोगढ़ में कल रात्रि कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें कि पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को लेकर अमर जवान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह रैली निकाली गई। कर जो अर्थी निकाली और साथ ही उसे जलाया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा क्या विरोध प्रदर्शन किया आपने? ये जो पुलवामा में हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं उनके उनकी श्रद्धांजलि के लिए हमने ये उनकी शहादत में ये हमने कैंडल मार्च निकाला एवं ये पाकिस्तान का और आतंकवाद का पुतला निकाल कर पुतला फूंका है। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान के लोग कश्मीर में जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उन पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जो भी अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा देगा उसे तुरंत ही शॉट करा जाए और तुरंत ही कार्रवाई की जाए और तुरंत ही मार दिया जाए। और हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार के साथ हम हैं सभी युवा हरोन निवासी और उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो उनके खिलाफ। और हमारे 40 जवान जो शहीद हुए हैं, हम 44 उनके जगह हमें 44 जगह 400 जवान शहीद उनके करना है, अंदर घुस के मारना है हमको। ये हमें पूरा बदला चाहिए क्योंकि हमारा पूरा जो देश है शोक में है और हम पूरी दम से रहेंगे साथ में और सरकार को ऐसा करना चाहिए पूरा। जो 44 आतंकवादी अपने राधोगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर मिथुन शर्मा की रिपोर्ट।